एक बार फिर अक्षय कुमार अपनी दमदार फिल्म के साथ धूम मचाने के लिए है तैयार। बता दें कि फिल्म बच्चन पांडे पिछले समय से चर्चा में बनी हुई है, ऐसे में फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। दो नए पोस्टर के साथ इस फिल्म की रिलीज डेट 18 मार्च 2022 सामने आई है। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक है फिल्म एक विलन रिटर्न्स, जिसके लिए एक्टर ने तगड़ी फीस ली है। सूत्रों के मुताबिक मोहित सूरी की इस फिल्म के लिए जॉन ने 21 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। पिछले 3 वर्षों में जॉन की फीस 7 करोड़ रुपए से बढ़कर 21 करोड़ रुपयों तक पहुँच चुकी है। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो तकरीबन 13 साल पुराना है, वो भी उस दौर का जब विकी एक्टिंग स्कूल में अभिनय सीख रहे थे। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और रणबीर कपूर की तगड़ी भिड़ंत हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगी। दरअसल खिलाड़ी ने बच्चन पांडे की रिलीज डेट का ऐलान किया, जो 18 मार्च 2022 को रिलीज होगी। ऐसे में ये साफ हो गया है कि इसकी सीधी भिड़ंत रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म शमशेरा से होगी, जो होली के मौके पर ही रिलीज होने के लिए तैयार है। सुपरस्टार धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत शादी के 18 साल के बाद अलग हो गए हैं। इस जोड़े ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में ये जानकारी दी। बता दें कि सोशल मीडिया पर धनुष का पोस्ट वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस सोनू सूद लोगों की मदद करते रहते हैं। हाल ही में सोनू सूद को ट्विटर पर एक अजीब सी डिमांड आई। एक फैन ने उनसे बिजली मीटर लगवाने की डिमांड की, जबकि ये डिमांड सोनू सूद ने पूरी भी कर दी। बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी न्यू ईयर मनाने के लिए मालदीव्स गई थी। वेल, एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कियारा ने व्हाइट बिकनी पहनी हुई है। वही इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को यही लगता है कि कियारा का ऐसा फोटोशूट सिद्धार्थ ने ही किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने किया जैकलिन फर्नांडिस को रिप्लेस। साउथ एक्टर अक्की नेनी नागार्जुन के साथ सोनल द घोस्ट फिल्म में नजर आने वाली हैं। मेकर्स के मुताबिक नागार्जुन के साथ ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस के लिए सोनल चौहान बेस्ट है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये रोल जैकलिन फर्नांडिस को मिला था, लेकिन एक्ट्रेस की मोटी फीस के चलते फिल्म की हीरोइन बदलने की बात हुई। फिल्म इंडस्ट्री में कृति सैनन का नाम होने के बावजूद एक्ट्रेस को कई बार बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। कृति ने खुलासा किया कि कई लोगों ने उनकी गमी स्माइल और नथुने फूलने वाले एक्सप्रेशन के लिए उनको काफी भला बुरा कहा। एक्ट्रेस ने बताया कि उनको कमर थोड़ी और अंदर करने की सलाह दी गई। हालांकि एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी को कभी लोगों के मुताबिक बदलने की जरूरत नहीं समझी। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस अक्सर मंगलसूत्र पहने नजर आती हैं। बता दें कि प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे याद है कि मैंने जब अपना वाला मंगलसूत्र पहना तो मुझे कैसा लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसके मायने समझते हुए ही बड़े हुए हैं।